हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और यूनिट प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स देखा, तो इस चैप्टर में चैप्टर आइडिया ऑफ हिस्ट्री में ओके आज हम लोग एक बड़ा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फूड, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, जितने भी उनको हम लोग इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो क्रिकेट है, क्रिकेट हिंदुस्तान में इंग्लैंड यानी ब्रिटिश वालों ने इंट्रोड्यूस किया, यानी वो जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो उनका ये खेल था जिसे हम लोगों ने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया, हम लोगों ने उनसे ये चीज़ लिया है ओके। तो उतना ज़्यादा हम लोग को नहीं जानना है, बस हम लोग जो क्वेश्चन से खास क्वेश्चन से जो आते हैं वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो सबसे पहली बात, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम लोग ICC कहते हैं ओके, ICC वो कब बना था, 1909 में। उसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, दुबई, UAE ओके। ये पहला हुआ। फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच हम लोग जानते हैं टेस्ट मैच होता है, वो 1877 में हुआ था। ये ICC बना 1909 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब ICC नहीं था तो क्रिकेट नहीं था। तो जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो 1877 हुआ था। ये जगह है हमारा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओके। तो हमारा फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था वो 1971 में हुआ था, वो भी इसी जगह पे हुआ था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही हुआ था। तो इसी वजह से ये आपको याद करने में आसानी होगी कि टेस्ट मैच 1877 में और वन डे इंटरनेशनल 1971 में, लेकिन दोनों का प्लेस और कंट्री जो साथ खेलने वाले थे फाइनल में वो दोनों सेम था ओके। जो हमारा इंडिया का है, जो BCCI, वो बना था 1927 में ओके। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे, द फर्स्ट वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 और फर्स्ट मेल क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975। अक्सर यहाँ पे लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि मेल का पहले हुआ होगा और फीमेल का बाद में। नहीं, इस केस में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ फीमेल का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो पहली बार 1973 में हो गया था और मेल का उसके 2 साल बाद हुआ था। यहाँ पे तो उल्टा है, फीमेल का पहले हुआ है और मेल का बाद में। अच्छा, तो अगर हम लोग स्टेडियम की बात करें तो ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया वो क्या, हमारा ईडन गार्डन ओके। ईडन गार्डन क्यों 1864 में बना था, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो उस वक्त कोलकाता क्या था, हमारा कैपिटल था, यानी कोलकाता सेंटर था। तो इसलिए जो काम, बड़ी बड़ी काम होंगे उसकी ज़्यादातर शुरुआत कोलकाता से ही होनी चाहिए। तो यही वजह है कि बंगाल में कोलकाता में हमारा ओल्डेस्ट यानी सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम बना ईडन गार्डन में ओके। तो वुमेंस क्रिकेट क्लब कब बना, 1877 में ओके, सॉरी 1887 में। 1877 में क्या हुआ था, 1877 में हमारा फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था वुमेन क्रिकेट क्लब 1887 में ओके। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप ओके, T20 वर्ल्ड कप कब खेला गया था, 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी फाइनल में जो थे इंडिया और पाकिस्तान गए थे, और हर 2 साल पे ये T20 वर्ल्ड कप खेला जाता है ओके। अच्छा, अब हम लोग कुछ बुक्स की बात करते हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड है ओके। तो ये हमारे कुछ ऑथर हैं, बोरिया मुजुमदार, इन्होंने बुक लिखा है 20 यार्ड ऑफ फ्रीडम, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, एंड द इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये दोनों बुक किसकी लिखी हुई है, बोरिया मुजुमदार की। ऑथर और बुक आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा ओके। नेक्स्ट है रामचंद्र गुहा, उन्होंने क्या लिखा, कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड ओके। जो हमारे थर्ड राइटर है वो है मिहिर बोस, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये जो तीन राइटर हैं हमारे, इनके नाम और इनकी लिखी हुई किताब आप लोग याद रखेंगे ओके। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप लोग को जो क्वेश्चंस है क्वेश्चंस को एक जगह कर दूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। आप लोग मेरे वीडियो देखें, वीडियो से क्वेश्चंस निकालें और आसानी से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें ओके। आगे देखते हैं, एक फोर्थ बुक है हमारा, लिखने वाले हैं कौशिक बंदोपाध्याय, अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट ओके। ये चौथी किताब क्रिकेट से रिलेटेड जो आपके बुक्स वगैरह में, बहुत सारे बुक्स में नहीं है, अगर आप 2-3 बुक रीड करें तब आपको ये सारी किताबें मिलेंगी, यानी आपका सिलेबस से रिलेटेड है। एक ही किताब, एक ही बुक में सारी बातें नहीं दी हुई हैं, तो मैंने इसको क्या किया, अदर बुक्स उसे एक जगह कलेक्ट किया है। तो काफ़ी मेहनत लगी है, वक्त लगा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जाके हमें मोटिवेशन मिलती रहे ओके।
हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन जब हमारा मोटिवेशन टूट जाता है तो हमें वो एनर्जी नहीं मिलती कि हम लोग वीडियो बनाएं, ठीक है, इसीलिए हम लोग कभी कभी पेसिव हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप भी लोग हमारे इस इफर्ट को समझेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फुटबॉल पे। तो पहले जो आप देख रहे हैं, फुटबॉल इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश आर्मी इन 19th सेंचुरी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, एम फॉर मिड 19th सेंचुरी, यानी जो फुटबॉल हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश आर्मी के जरिए इंट्रोड्यूस कराया गया है, यानी क्रिकेट भी ब्रिटिश के जरिए और फुटबॉल भी ब्रिटिश के जरिए। ओके, अब आगे हम देखते हैं हम लोग नरेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, ये नाम है, इन्हें क्या कहता था, फादर ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, इंडिया में इन्हें फादर ऑफ फुटबॉल कहा जाता है। तो ये नाम हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, यानी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग इंडिया से जो रिलेटेड जो भी बातें उन्हें याद रखेंगे, जैसे कि क्रिकेट इंडिया में स्टेडियम कहाँ है वगैरह वगैरह, ओल्डेस्ट स्टेडियम इन इंडिया, इन वर्ल्ड जरूरी नहीं है लेकिन इंडिया को याद रखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट फुटबॉल क्लब, ये कहाँ की बात हो रही है, ये हिंदुस्तान की बात हो रही है। फर्स्ट फुटबॉल क्लब मैंने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है कि इंडिया या वर्ल्ड, लेकिन आपको समझना होगा कि हिंदुस्तान की बात हो रही है कि कोलकाता एफसी 1872 में, एफसी मतलब कोलकाता फुटबॉल क्लब 1872 में पहला फुटबॉल क्लब था जो हिंदुस्तान में बना था। कहाँ बना था, कोलकाता में, जैसा कि मैंने बोला कि कोलकाता उस वक्त क्या था, हिंदुस्तान का कैपिटल था। ओके, अच्छा इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग कोलकाता लिखेंगे, ठीक है, सी से, ठीक है, ये जो होता है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हिस्ट्री में हम लिखेंगे तो ये कोलकाता नहीं, इस कोलकाता का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले ये इस तरह से लिख कोलकाता हम लोग ऐसे लिखते थे, बाद में ये कलकत्ता हम लोग लिखते थे, बाद में कोलकाता हुआ, तो जब रीनेम हुआ तब हम लोग ये कलकत्ता लिखे, लेकिन जब पास्ट की बात करें कोलकाता से रिलेटेड तो हम लोग कलकत्ता ही लिखेंगे, सी वाला यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नवाब अमीनुल इस्लाम, ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, नवाब अमीनुल इस्लाम फाउंडेड क्लब जुबली क्लब, यानी जुबली क्लब बनाने वाले कौन थे, नवाब अमीनुल इस्लाम, कब बनाया था उन्होंने, 1887 में, एंड नेम दिस क्लब क्लब चेंजेस टू मोहम्मदन क्लब। आप लोगों ने से बेशतर लोगों ने इस मोहम्मदन क्लब का नाम सुना होगा, यानी ये जब बना था तो उस वक्त इसका नाम मोहम्मदन क्लब नहीं था, उस वक्त इसका नाम था जुबली क्लब। बना कब था, 1887 में, और इसका नाम चेंज कब किया गया, 1891 में, यानी 4 साल बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, जुबली क्लब को क्या किया गया, मोहम्मदन क्लब। ओके, तो मोहम्मदन क्लब है फर्स्ट क्लब टू विन कोलकाता फुटबॉल लीग, ठीक है, 1934 में। पूछता है कौन सा क्लब ने कोलकाता फुटबॉल लीग पहली बार जीता था और कब जीता था, तो वो जीतने वाली हमारी कोलकाता फुटबॉल लीग मोहम्मदन क्लब 1934 में, एंड ऑल्सो विन आगा खान गोल्ड कप, ये आगा खान गोल्ड कप भी मोहम्मदन क्लब जीत चुकी है 1960 में। तो ये बातें यहाँ पे मैंने जो भी लिखी है बेकार वगैरह नहीं लिखी है, आपके काम की ही है, ठीक है, तो आप बिना सोचे बिना दिमाग खपाए आप इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट करें और याद करें। ओके, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ही लेट है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग भी हमारी परेशानियों को समझें और वीडियो को देखें और फ़ायदा उठाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं, मोहन बगान एथलीट क्लब इस्टेब्लिश इन 1889। ओके, मोहन बगान आपने इसका भी नाम तो ज़रूर सुना होगा, लोग फुटबॉल के बारे में कुछ जानते हो चाहे ना जानते हो, इन दो क्लब मोहम्मदन क्लब और मोहन बगान का नाम तो तकरीबन सबों ने ही सुना है। वो कब बना था हमारा, 1899 में, वन IFA शील्ड, ये सवाल पूछा भी जा चुका, मैंने ABTA में बहुत बार इस सवाल को देखा था कि IFA शील्ड जीतने वाली कौन थी, तो मोहन बगान एथलीट क्लब, और कब जीता था, तो 20 जुलाई 1911 में, बाई डिफीटिंग यूरोपियन सोल एंड आर्मी। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि स्पोर्ट्स कोटा, मतलब जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका स्पोर्ट्स कोटा से कुछ जॉब वगैरह लगता है, तो ये वही यूरोपियन सोल एंड आर्मी उन लोगों की टीम थी जिनको ये मोहन बगान एथलीट क्लब ने 1911 में हराया और IFA शील्ड जीता। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये गस्ता बिहारी पाल, इनको चीनेर प्रचीर कहा जाता है, इसका मतलब होता है द वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि एज ए डिफेंडर इन्होंने इतने अच्छे से ये इस गेम में इन्होंने इतने अच्छा परफॉर्मेंस किया एज ए डिफेंडर कि जिसके वजह से इनका नाम क्या पड़ा, द वॉल ऑफ चाइना। ओके, ये किस प्लेयर के से खेल रहे थे, तो एज ए डिफेंडर परफॉर्म कर रहे थे। ओके, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब कब बना था, तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब फाउंडेड बाय सुरेश चंद्र चौधरी। ओके, फाउंडेड किसके जरिए, तो सुरेश चंद्र चौधरी, कब बना था, तो 1920 में। ओके,
एक होता है हमारा दुरन कप, फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन शिमला इन 1808। उस वक्त जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उस वक्त तो अंग्रेजों का राज था, तो जो कुछ भी था वो अंग्रेजों के हाथ में था। तो ये जो अंग्रेज थे मोर्टिमर डुरेंट, इन्होंने शिमला में एक फुटबॉल ये ऑर्गेनाइज किया था, उसको हम लोग डुरेंट कप के नाम से जानते हैं। ये अभी भी ये चलता है। ओके, डुरेंट कप पहली बार हुआ था 1888 में, ठीक है। दुरन कप पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था शिमला में 1888 में। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ओके, आगे देखें आप, ठीक है। इन 1937 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फाउंडेड इन शिमला आर्मी, शिमला आर्मी हेडक्वार्टर में 1937 में ऑल इंडिया फेडरेशन कायम हुआ था। लेकिन कहाँ कायम हुआ था ये, हमारे शिमला आर्मी हेडक्वार्टर में 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था। बिटवीन 1950 टू 1962 इंडिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ एशिया इन फुटबॉल, फुटबॉल में से पावर हाउस ऑफ एशिया कहा जाता था। यानी उस वक्त हम लोग फुटबॉल में काफ़ी जाने जाते थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी। बाद में ये हम लोग डाउन हो गए, कोई भी वजह हो, ये डेट हम लोग याद रखेंगे 1950 टू 1962, गोल्डन एज हम लोग बोल सकते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फुटबॉल से रिलेटेड भी कुछ राइटर्स और उनके बुक्स देख लेते हैं। तो बुक है खेला जोखुन इतिहास, बुक का नाम है खेला जोखुन इतिहास, लिखने वाले कौन है, कौशिक बंदोपाध्याय। ओके, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बुक है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, सॉरी ये बुक नहीं है, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का नाम तो आपने सुना ही होगा, हर चार साल पे फीफा होता है। 2022 में जो फीफा होने वाला कतर में होगा, ये सब आप जानते हैं, उसकी तैयारी जोरों शोर से चल रही है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। ओके, मैंने लिखा भी है 2022 एंड कतर, ये क्या है, फीफा होने वाला है। थोड़ा सा हॉकी के बारे में देख लेते हैं, ये बहुत सारी बुक्स में हॉकी के बारे में नहीं दिया था, लेकिन हमारे सिलेबस में है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा नहीं जानना हम लोग को। देखें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन IHF, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये भी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, लेकिन लॉसेन में है। ये देखिए, ये फुटबॉल का क्या था, ज्यूरिच में है, लेकिन ये लॉसेन में, लेकिन दोनों का कंट्री क्या है, स्विट्जरलैंड है। ओके, फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बार्सिलोना स्पेन इन 1971 एंड विनर इज पाकिस्तान। तो फर्स्ट जो हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था वो 1971 में ऑर्गेनाइज हुआ था, और उस वक्त जीतने वाली कौन थी, पाकिस्तान उस वक्त विनर थी। ओके, वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हैज़ बीन हेल्ड सिंस 1974, एंड वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप कब से हो रही है, 1974 से हो रही है। ओके, अच्छा, ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स एंड क्यूजिन्स, मतलब जो पकवान वगैरह फूड वगैरह होते हैं उसकी हिस्ट्री इंडिया में क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स। अगर हम हिंदुस्तान में फूड हैबिट्स की बात करें तो हम लोग पाएंगे कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाके में लोगों के फूड्स, उनकी गिज़ा अलग अलग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ एक बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो अलग अलग इलाकों में एक ही वक्त में अलग अलग किस्म के मौसम होती है, वहाँ के फसल अलग अलग है, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है। जैसे कि किसी इलाके में अगर गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है तो वहाँ के लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, कहीं पर वीट ज़्यादा पैदा होता है, कहीं पर राइस ज़्यादा पैदा होता है। तो जहाँ पर जिस चीज़ की पैदावार ज़्यादा होती है वो चीज़, वो क्रॉप्स क्या होता है, उनकी ख़ास गिज़ा बन जाती है। अगर वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा हो रहा है तो वो लोग, वहाँ के लोग रोटी ज़्यादा खाएंगे, अगर वहाँ पे चावल ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि क्या होगा, उस इलाके में वो चीज़ सस्ती होगी, आसानी से दस्तियाब होगी, जो हर एक के लिए क्या होगा, अफोर्डेबल होगा। ओके, उसके आगे बात आता है हमारा कि जो फूड है, पहले हम लोग क्या हुआ करते थे, कार्निवोरस हुआ करते थे, कार्निवोरस मतलब सिर्फ गोश्त खाने वाले। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या हो गए, ओमनीवोरस हो गए, ओमनीवोरस मतलब हम लोग हर चीज़ खाते हैं, हम लोग गोश्त भी खा सकते हैं और साग सब्जी वगैरह भी खाते हैं। तो हिंदुस्तान में जब स्टार्टिंग हुई, जब यूरोपियंस हिंदुस्तान में 1498 में आना शुरू हुए, तो सबका अपना अपना पसंद होता है, सबके अपने अपनी कंट्री की अपनी अपनी डिश होती है। ओके, तो जैसे कि चाइनीज़ डिश, कॉन्टीनेंटल डिश, इटालियन डिश, इंडियन डिश, इरानियन डिश, मुगल डिश, तो सबका अपना अपना एक पसंद हुआ करता था, ठीक है। तब होता क्या कि उनको ये खाना है, इंडियंस कुछ और खाते थे, ऐसे मिलते जुलते एक मतलब एक नया ही हिस्ट्री शुरू हो गई। मतलब मैं आपको कहानी ज़रा समझाता हूँ कि जैसे कि वक्त के राजा को जब मटिया ब्रुज भेजा गया, तो उन्होंने मटिया ब्रुज को
अवध के जरिए सजाने अवध के तरह सजाने का हुक्म दिया, सजाया गया, लेकिन पैसे उतने नहीं थे। सजाने के बाद सजाने में काफ़ी पैसे खर्च हो गए। सजाने के बाद अब लोगों को दावत देना था, तो राजा ने क्या कहा कि बिरयानी बनाया जाए, लेकिन देखा गया कि पैसे कम है, यानी उतना मीट उतना गोश्त नहीं अफोर्ड किया जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, मीट के जगह पे यानी मीट कम कर दो, उसके जगह पे आलू डाल दो। तो वहाँ से एक नया ट्रेडिशन चालू हो गया बिरयानी में आलू का। तो अब क्या है, अब देखेंगे जो बिरयानी में आलू है वो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही पाया जाता है, कहीं और पाया नहीं जाता है। ओके, तो फूड डिपेंड करता है वहाँ के लोगों का, वहाँ के कल्चर का, और वहाँ पे किस चीज़ का क्रॉप ज़्यादा होता है। फूड में हम लोग दो बुक का नाम याद रखेंगे, इटैली रिनेसेंस बंगाली कल्चर, जिसके लिखने वाले हैं अमलेश त्रिपाठी, और दूसरा बुक है हमारा इंडियन फूड अ हिस्टोरिकल कैंपेन, जिसके लिखने वाले हैं डॉक्टर केटी आचार्य। ओके, अब हम लोग अगला देखेंगे हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, यानी जिसमें हमारा म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, सिनेमा, ये सब इसमें आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन वॉइस ही क्या है, हमारा म्यूज़िक का पहला इंस्ट्रूमेंट है, यानी ह्यूमन वॉइस इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूज़िक। ओके, क्योंकि पहले हम लोग अपने गले से ही तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके क्या क्या करते थे, सुर, धुनियाँ, दूसरे को अपनी बातें समझाने की कोशिश करते थे, जब क्या हुआ था, लैंग्वेज का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जब हम लोग बोलना लिखना नहीं जानते थे। और ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी पुरानी एंशियंट चीज़ें ऐसे मिलती हैं जिससे हमको ऐसा समझ में आता है कि पुराने ज़माने में भी लोग म्यूज़िक के बारे में जानते थे, म्यूज़िक को पसंद करते थे, या फिर म्यूज़िक उनके ज़िंदगी का एक, उनके समाज का एक पार्ट था। ओके, जैसे कि सितार, सुरूद, तबला, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि आयरलैंड के ग्रे स्टोन की एक जगह है जहाँ से हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिला है जो बांसुरी की तरह लगता है, यानी उस ज़माने के लोग वो बांसुरी बजाया करते थे, ऐसा इसे ये इंडिकेट होता है। अच्छा, अगर हम लोग प्रॉपरली हिस्ट्री पर देखें तो सबसे पुराना सिविलाइजेशन होता है हिंदुस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो आता है सिविलाइजेशन वो है ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, यानी जिस वक्त ऋग वेद लिखा गया, यानी सबसे पुरानी किताब हम लोग मतलब है ना, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि सामवेद है। ठीक है, सामवेद में भी हम लोग क्या मिलता है, ये मौसीकी यानी म्यूज़िक का जिक्र मिलता है। जो हमारा रामायण है, ओके, श्रीलंका का जो राजा था उस वक्त रावण, ओके, वो भी क्या था, म्यूज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था, तो उसके वो जो म्यूज़िक ये क्या करते थे, उसमें बोलते हैं रावण सीता वीणा। ओके, रावण सीता वीणा। अच्छा, और भी अगर हम देखेंगे कि वेद को श्रुति भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि उसको सुन करके याद किया जाता है, उसके लिटरली मीनिंग क्या होती है, वेद को श्रुति क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसको सुन करके याद किया जाता है। ओके, अच्छा, हम लोग रात को मैट्रे और सुर को हम लोग राइम्स कहते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि ये तो था ऋग वैदिक में जिसमें म्यूज़िक वगैरह पे काफ़ी ये किया गया है, और सामवेद का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो मौसीकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सुर से उसमें जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग सुर के साथ ही पढ़ते हैं, सुर के साथ ही उसको बयान किया जाता है। और उस वक्त के जो फेमस ड्रामाटोलॉजिस्ट थे, जो ड्रामा लिखने वाले थे, कालिदास, उन्होंने अपने बहुत सारे ड्रामों को क्या किया है, म्यूज़िक में यानी सुर में लिखने का कोशिश किया है, सुर में बयान किया है, यानी समझ में आती है कि ये म्यूज़िक जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, वक्त के साथ साथ इस पर चेंजिंग ज़रूर हुई है, वक्त के साथ साथ इसमें इवोल्यूशन आया है। पहले हम लोग आवाज़ से करते थे, फिर इंस्ट्रूमेंट, अभी देखो अभी हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल ड्रम है, सब कुछ इलेक्ट्रिकल हो गया है, लेकिन इसमें क्या है, वक्त के साथ साथ चेंजिंग हुई है, लेकिन ये म्यूज़िक पुराना नहीं है हमारे लिए। और हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में मतलब हर भगवान को किसी न किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखेंगे डमरू के साथ क्या है, भगवान विष्णु, बांसुरी कृष्णा, ठीक है, एक तारा भगवान नारद, है ना, तो ये सारे मतलब मौसीकी हिंदू धर्म से भी जुड़ी हुई है, और हिंदू धर्म को हम लोग ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, यानी मतलब, और उनसे ये म्यूज़िक जुड़ी हुई है, तो म्यूज़िक कोई न्यू नहीं है, म्यूज़िक अपना एक हिस्ट्री रखता है। ओके,
नेक्स्ट अगर हम लोग डांस की बात करें तो डांस का ओरिजिन बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक उसी तरह म्यूज़िक के तरह डांस भी क्या है, बहुत ही पुराना है। हम लोग कह सकते हैं कि डांस और म्यूज़िक का क्या है, चोली दामन का रिश्ता है। मींस जब भी कोई गाना सुनता है तो इंसान को झूमने का मन करता है, डांस करता है, यानी ऐसा लगता है कि गाना के बिना डांस अधूरा है। ओके, इसलिए हम लोग कहते हैं चोली दामन का रिश्ता है। पहले क्या था कि लोग मतलब जो डांस था, मंदिर के पुजारी मौसीकी के साथ साथ डांस किया करते हैं। मुर्दों को दफनाते वक्त जो मिस्र थी, मिस्र इजिप्ट की ख्वातीन डांस किया करती, ठीक है, डांस करके अपने गम व अफसोस का इजहार करती है। और यूनान के लोगों का क्या था कि वो जब लोग अपने मुर्दों को या अपने शहीदों को दफन करते थे, मतलब जो मर जाते थे उनको जब दफन करने जाते थे, वो लोग डांस करते थे, गाना बजाते थे। ये उनका मानना ये था कि जब कोई आखिरी बार विदा हो रहा है, ओके, तो उसको हंसी खुशी विदा किया जाए। और फिर क्या था, आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब महलों की शान बन गई कि राजा अपने टाइम पास के लिए मतलब डांस देखा करता। जब वो लोग जंग से जीत करके वापस आते हैं तो डांस का प्रोग्राम ये किया जाता। तो डांस क्या हुआ कि मतलब ओरिजिन कहाँ है ये तो बोलना मुश्किल है, ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि बहुत ही पुरानी है ये डांस, म्यूज़िक की तरह डांस भी बहुत ही पुरानी है। लेकिन पहले क्या था, मुर्दों को अफसोस जताने के लिए, खुशी जताने के लिए, फिर राजा अपने जीत का इजहार करने के लिए, और आज हमारा ये एक इंटरटेनमेंट बन गया है जिसे हम लोग शौक से या एज ए इंटरटेनमेंट करते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ फोल्क डांस, क्लासिकल डांस हैं, ऐसे तो हर स्टेट का अपना एक डांस होता है। ओके, तो उतना हम लोग याद नहीं करेंगे, बंगाल याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग का एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिलहाल आप लोग सिर्फ बंगाल का ये फोल्क डांस और क्लासिकल डांस याद रखें, ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये उसके पिक्चर्स और नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ड्रामा पे। तो जो ड्रामा है, ड्रामा, ये ड्रामा यूनानी वर्ड ड्राउ से लिया गया है। ओके, ड्राउ जिसके मतलब होता है अमल, एक्शन। ओके, हम कोई एक्शन कर रहे हैं ड्रामा में, हम लोग जानते हैं ड्रामा में क्या क्या आता है, किसी कहानी को, किसी स्टोरी को परफॉर्म करके, ठीक है, जैसे मूवी परफॉर्म होती है वैसे स्टेज पे लोग उसको परफॉर्म करके उस बात को बताने का कोशिश करते हैं। इसलिए ड्रामा को क्या कहा, अगर ड्रामा यूनानी वर्ड, ओके, ड्राउ से लिया गया है जिसका मतलब होता है एक्शन, उर्दू में बोलेंगे अमल और ऐसे क्या कहेंगे, ड्राउ। और निकोल, ठीक है, निकोल ने अपनी बुक द थ्योरी ऑफ ड्रामा, ये निकोल नाम है एक पर्सन का, उनके बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ ड्रामा। उन्होंने उस बुक में कहा है, ड्रामा इज़ ए कॉपी ऑफ लाइफ, अ मिरर ऑफ कस्टम्स, अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रूथ। ओके, ये जो नाम है निकोल, उनके बुक का नाम, उनका जो स्टेटमेंट है, ये तीनों हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। ओके, वैसे अगर हम लोग और भी आगे देखेंगे तो भाषा, ये राइटर है, ठीक, ओके, भाषा मीन्स लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे भाषा मीन्स एक पर्सन का नाम है, राइटर है, जिन्होंने मध्यमा वया योगा, इन्होंने ये ड्रामा है, होता है ना स्टोरी, पोयम, बहुत कुछ होते हैं उसमें से एक ड्रामा है। ओके, मध्यमा वया योगा, लिखने वाले कौन है, भाषा। अच्छा, अगर हम हिंदू आइडियोलॉजी यानी हिंदू धर्म के हिसाब से बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा क्या है, ड्रामाटोलॉजिस्ट है। ओके, ड्रामाटोलॉजिस्ट है मतलब ड्रामा निगार, ओके, ड्रामा लिखने वाले। ओके, अच्छा, और एक और ड्रामा का नाम आता है महाभाष्य, जिसके लिखने वाले पतंजलि। ओके, उन्होंने इसके इस ड्रामा को संस्कृत में लिखा था। तो हम लोग राइटर का नाम पतंजलि और ड्रामे के बुक का नाम क्या है, महाभाष्य, याद रखेंगे। अच्छा, और भी बहुत सारे ड्रामा है जिसको कालिदास ने लिखा था, कालिदास ने बहुत सारे ड्रामा लिखा था जिसमें से मालविका, निमित्रम, ओके, शकुंतला, मेघदूत, कुमार संभवन, रघुवंश, ओके, अभिजना, शकुंतला, ये सब क्या है कालिदास के जरिए लिखे गए ड्रामे के नाम है। ओके, इतना याद रखना, स्टार्टिंग जो तीन थे, मालविका, निमित्तरम, शकुंतला, मेघदूत, राघवंश, ये तो नाम तो आपको याद रहेगा ही, लोग सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन ये रघुवंश नहीं भूल सकते। सोनी मैक्स पे चलने वाली मूवी रघुवंशन जहरीली खीर इतनी ज़्यादा चलती है कि सबको याद रहेगी। ओके, ये सारे ड्रामा तो थे, इनमें से एक है अंधा याग। ओके, अंधा याग ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट हिंदी ड्रामा है। ओके, लिखने वाले कौन है, हमारा धर्मवीर भारती।
ओके, धर्मवीर भारती ने और भी ड्रामा लिखा है, आधे अधूरे, एक साढ़ का एक दिन, एक साढ़ साढ़ लिखा जाता है मीन्स एक साल का एक दिन, और उनका अदर जो ड्रामा है वो है लहरों की राजहंस। ओके, धर्मवीर भारती। अच्छा, अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, जो हिंदुस्तान के, बंगाल के बहुत ही अहम हस्ती हैं, उन्होंने भी बहुत सारे ड्रामा लिखा है, चित्रा, राजा, डाकघर, डाकघर समझ रहे, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, रत्ता करबी, ये ड्रामा रविंद्रनाथ टैगोर के ज़रिए लिखा गया है। अच्छा, और भी ड्रामा ड्रामोलॉजिस्ट है, ग्रीस कार्नड, ग्रीस कार्नड इन्होंने लिखा है, नागामंडला, हयावादना और तोलेन देंदा। ओके, ये सब हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा तो है लेकिन जो खास खास है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। ओके, एक और हमारा ड्रामा है, शूद्रक के ज़रिए लिखा गया, मिर्चा कतिकम। ओके, मिर्चा कतिकम जिसका मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ट। ओके, मिर्चा कतिकम जिसका मतलब क्या होता है, द लिटिल क्ले कार्ट, लिखने वाले कौन है, शूद्रक। ओके, एक और हमारा ड्रामा है, कितने जलियान वाला बाग। ओके, जलियान वाला बाग का वाक्य, जो इंसिडेंट, वो आप सबको पता होगा। ओके, तारीख में बहुत ही शर्मनाक वाक्य है वो, तो ये है कितने जलियान वाला बाग, ये ड्रामा का नाम है, इसके लिखने वाले हैं इकबाल नियाज़ी। ओके, तो ये कुछ ड्रामा थे, फेमस फेमस राइटर्स थे जिन्होंने ड्रामा लिखा, खासकर आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, पतंजलि, इनके जो लिखे गए ड्रामे हैं इसको खासकर याद रखेंगे। ओके, अच्छा, जिस तरह थिएटर होता है, थिएटर सिनेमा, सिनेमा में सिनेमा चलाया जाता है, तो ड्रामा भी जो सबसे पहले जो ड्रामा के लिए जो थिएटर बना था वो कुतियात्तम, कुतियात्तम, ओके, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड इन केरला। ओके, अच्छा, और तोलकाप्यम थिएटर ऑफ तमिलनाडु। ओके, यानी सबसे ओल्डेस्ट थिएटर में एक केरला का है कुतियात्तम, उसके बाद जो बना वो तमिलनाडु में तोलकाप्यम। ओके, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, ये साउथ का है तो जाहिर सी बात है नाम उसी हिसाब से होगी, तो नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन हम लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सिनेमा पे। अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ सिनेमा पे बात करें तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ड्रामा का ही अपडेटेड वर्जन हो सकता है सिनेमा। ड्रामा में क्या करते हैं, कुछ लोग परफॉर्म करते हैं, कहानी को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और सिनेमा में कुछ ऐसा ही होता है, वो पर्दे पे होता है। ओके, अगर हम सिनेमा की बात करें तो हिंदुस्तान की जो पहली साइलेंट मूवी थी, ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में पब्लिश हुई थी, पब्लिश नहीं कहेंगे उसको, रिलीज़ हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे धुंधीराज गोविंद फाल्के। ओके, हम लोग दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जानते हैं, और उन्हीं के नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। ओके, अच्छा, ये तो हमारा था राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद आलमारा। ओके, आलमारा वाज द फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म डायरेक्टेड बाय अर्देशीर ईरानी, और ये रिलीज़ कब हुई थी, 1931 में। देखिए 1913, 1913 और 1931, राजा हरिश्चंद्र ये ब्लैक एंड वाइट थी और साइलेंट मूवी थी, यानी कोई आवाज़ नहीं थी। आप लोगों ने बहुत सारे चार्ली चैपलिन की मूवी, मिस्टर बीन की देखी होगी, उसमें कोई साउंड नहीं होती, वो लोग बिना साउंड का ही अपनी कला दिखा देते हैं लोगों को, क्या टैलेंट है उनके अंदर। तो ये भी क्या था, हमारा साइलेंट मूवी थी, लेकिन जो आलमारा थी हिंदुस्तान की पहली साउंड मूवी थी, यानी ऐसी पहली मूवी थी जिसमें बोला गया था, डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया था। ओके, और जो कि मैंने कहा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये देना फिल्म इंडस्ट्री में देना स्टार्ट हुआ था 1969 से। ओके, हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं और वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग वेस्ट बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल में, यानी फर्स्ट साउंड मूवी इन बंगाली, बंगाली में थे जमाई सास थी, ये भी 1931 में रिलीज हुई थी। देखिए साउंड मूवी जो थी आलम आरा, वो भी 1931 में, वो हिंदी में थी, और ये जो साउंड मूवी है जमाई सास थी, ये भी 1931 में बंगाली में रिलीज हुई थी। ओके, अच्छा, लेकिन बंगाली की साइलेंट मूवी कौन सी थी, वो थी बिलवा मंगल। बिलवा मंगल इसके जो डायरेक्टर थे वो थे हीरालाल सेन। ओके, अच्छा, हिंदुस्तान की जो फर्स्ट कलर मूवी थी वो थी किशन कन्या, जो 1937 में रिलीज हुई थी, और इसके जो डायरेक्टर थे मोती गोडवानी इसके डायरेक्टर थे। ये थोड़ा सा था मूवीज़ के बारे में। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग के बारे में।
अगर हम क्लॉथ पे देखें तो पहले तो एकदम जब ये स्टार्टिंग से करें तो जब हम लोग जब हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, बंदर से जब हम लोग इंसान बने तो उस वक्त हमारा कोई क्लॉथ नहीं था। ओके, हम लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ का इस्तेमाल किया, पत्ते और जानवरों के चमड़े को अपने बदन को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। आहिस्ता जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा, हम लोगों ने कपड़े बुनना सीखा, तो हम लोगों ने कपड़ा पहनना शुरू किया। लेकिन उस वक्त क्या था कि हम लोग बस कपड़ा जब हम लोगों ने बनाया तो सिलना नहीं जानते थे, बस कपड़े बना लिया और उसको अपने बदन पे ढक लिया। अच्छा, अगर लोग वैदिक पीपल की बात करें, ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था, तो अगर वैदिक पीपल की बात करें तो वो लोग ना अपने लोअर पोर्शन को एक कपड़े से ढकते थे जिसको हम लोग परिधना बोलते थे। ओके, लोअर पोर्शन को ढकने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल करते थे उसको हम लोग परिधना बोलते थे। अच्छा, और विंटर में जैसे कि हम लोग विंटर में इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, स्वेटर, तो वो लोग विंटर में खास तरह का कपड़े का इस्तेमाल करते थे जिसको हम लोग प्रवरा बोलते थे। ओके, अच्छा, ये तो वैदिक की बात थी। और मौर्यान, जो मौर्य बाद में आए, तो मौर्य अपने कंधे पे, कैसे अभी हरियाणवी लोग यानी हरियाणा के लोग गमछा वगैरह अपने कंधे पे रखते हैं या लोग कैरी करते हैं, तो उसी तरह मौर्य के जो लोग थे वो लोग अपने शोल्डर पे कपड़ा रखते थे, उस कपड़े को वो लोग पत्का बोलते थे। क्या बोलते थे, पत्का। ओके, और साथ ही साथ ये जो स्विंग क्लॉथ है, मतलब कपड़ा सिल करके इस्तेमाल करना, ये शुरू हुआ गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड से कपड़ा सिल करके इस्तेमाल करना शुरू हुआ। और जो हम लोग जानते हैं ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह, उस दौर में मर्द और औरतें दोनों ही क्या करते थे, ज्वेलरी वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। ओके, और ये आप देखेंगे, बहुत सारी आप हिंदी मूवीज़ देखेंगे अगर, तो हिंदी मूवीज़ में जो पहले के हीरो हुआ करते थे उनका अगर आप पैंट देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा होता था नीचे से मोहरी, यानी आप कह लें कि आज के लेडीज़ का प्लाजो। तो देखें, उस वक्त के हीरो का जो ड्रेस था, आज का लेडीज़ का प्लाजो नाम दे करके उनको दे दिया गया है। यानी क्या है, ये इवोल्यूशन, ये चेंजिंग हो रही है क्लॉथ में, एक क्लॉथ को दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी माहौल के हिसाब से, फैशन के हिसाब से चेंजिंग आ रही है। तो ये सब हमें नहीं देखना है, ये तो मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया। असल हमको देखना है कि परिधना क्या है, प्रवरा क्या है, पत्का क्या है, स्विंग क्लॉथ का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, ये कुछ कुछ खास बातें हैं जो हम लोग को याद रखनी है। और बहुत सारी बातें होती हैं, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो हम लोग जानते हैं पहले हम लोग पैदल ट्रैवल किया करते थे, फिर जब हम लोगों ने जानवरों को पालना सीखा, उनको पेट बनाना सीखा, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या जानवरों का इस्तेमाल सीखा, तो उसके बाद घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये सब हमने बनाया। फिर हम लोग क्या करते थे, पानी में ट्रैवल करने के लिए हम लोगों ने नौका, उस ज़माने पानी में ट्रैवल को उसे भी नौका कहा जाता था, नौका बनाया। और फिर उस ज़माने में कुछ खास तो था नहीं, तो पालकी हुआ करती थी। पालकी आप लोगों ने सबने किसी मूवी में वगैरह में देखा होगा पालकी, उसमें जागीरदार घराने की औरतें या फिर राजाओं के घराने की औरतें, पालकी में एक बॉक्स होता था, चारों तरफ से बंद होता था, उसको चार लोग उठा करके अपने साथ लेकर के जाया करते थे, पालकी। ओके, यानी पहले हम लोगों ने इंसानों का ही इस्तेमाल किया, उसके बाद जानवरों का इस्तेमाल हमने शुरू किया। तो हमारा नेक्स्ट होता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, ताकि आपके ज़्यादातर फ्रेंड्स भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्ट पे। ओके, अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्ट में बुक की बात करें तो पहली बुक लिखी हुई है अ हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट, जिसके लिखने वाले अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल, इसको हम लोग ई बी हैवेल भी कहते हैं। ओके, जो हैवेल थे ना वो प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता आर्ट स्कूल बने थे 1896 में। ओके, तो कलकत्ता आर्ट स्कूल इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में, और इसके प्रिंसिपल ये बने थे हैवेल, और इन्होंने ये बुक लिखा था अ हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट। फिर बाद में कोलकाता एसेटिक सोसाइटी 15 जनवरी 1784 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये सब कुछ इंस्टीट्यूट है जो आर्ट को, फोटोग्राफी को, पेंटिंग को, यानी आर्ट को आगे क्या कहते हैं, लोग आर्ट के आर्ट में भी ध्यान दें, इस फील्ड में भी आगे आएँ, तो इन सब पर ध्यान दिया जा रहा था। और आपको ये पता होना चाहिए, जिस समय बार बार कह रहा हूँ कल कोलकाता उस वक्त क्या था, हिंदुस्तान की राजधानी थी, कैपिटल थी, तो जो भी चीज़ें होती थी खासकर कोलकाता में पहले, जरूरी नहीं कि हर चीज़ कोलकाता में ही होगी, लेकिन कोलकाता में ज़्यादातर चीज़ें पहले हुई हैं। जैसे 1840 में हिंदुस्तान में पहली बार कैमरा आया, पहली बार हिंदुस्तान में जो कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ वो 1840 में, 1840 में हुआ, और वो कलकत्ता में ही ये हुआ था हमारा ये
इंट्रोड्यूस हुआ था, कलकत्ता ही में आया था। ओके अच्छा, जब कैमरा की बात हो रही है तो हम लोग फोटोग्राफी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। बोर्नो एंड सेफर्ड, ठीक है, ये पहला इंस्टीट्यूट फोटोग्राफी का जो 1864 में कोलकाता में ही खोला गया था। हिंदुस्तान का पहला फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट बोर्नो एंड सेफर्ड कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। और कब? 1864 में। अच्छा, एक सोसाइटी भी थी, फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1856 में बनाई गई थी, और 1864 में ये बोर्नो एंड सेफर्ड इंस्टीट्यूट बनाया गया। और भी अगर हम लोग बुक की बात करें तो एस देव की लिखी किताब शिल्पा पुष्पांजलि, ओके, जॉन फॉलकॉन की लिखी किताब इंडिया पेनोरिंग फोटोग्राफर्स 1850 to 1900, और एक थे हमारे दास मदन रॉय, उन्होंने किताब लिखी फोटोग्राफी इन विक्टोरियन इंडिया में फोटोग्राफी। तो ये सब कुछ खास बुक्स थे जो फोटोग्राफी और आर्ट के ऊपर लिखी गई थी। तो आर्ट के ऊपर ने हमने एक ही बुक देखा, उसका नाम क्या था? हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट, ई.बी. हैवेल ने लिखा था। और फोटोग्राफी के हमने के ऊपर तीन चार किताबें देखी। ओके, ये सब कुछ खास बातें हैं कि कौन सी सोसाइटी कब बनी और कैमरा कब आया हिंदुस्तान में, किसने कौन सी बुक लिखी, ये सब हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में बात करें तो आर्किटेक्चर मतलब कोई मोनूमेंट हुआ, कोई बिल्डिंग्स हुई, मतलब ये जो हुआ तो पहले क्या था, पहले तो हम लोग गुफा वगैरह में रहा करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अपना सिविलाइजेशन तैयार किया, यानी अपने घर पक्के घर में रहने लगे। तो उस वक्त का जो आर्किटेक्चर था वो बड़ा ही यूनिक था। ओके, उस वक्त ईंट की जो है ना अपनी प्रॉपर मेजरमेंट, जो छोटी ऊँट होती थी वो 11 × 5 × 2 inch की वायर करती थी, यानी लेंथ 11, ब्रेथ 5 और जो हाइट होगी वो 2। लेकिन जो बड़ी ईंट होती थी वो 20 × 8 × 2 की हुआ करती थी। ओके, यानी वो लोग मैं हरप्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मोहनजोदार उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ओके, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, बहुत ही पहली सिविलाइजेशन हिंदुस्तान की। उस वक्त क्या था, या फोटो में देख सकते हैं कि आप देखें चारों तरफ से क्या किया गया है, बीच में जो है हमारा, बीच में जो बड़े लोग रहते थे और चारों तरफ से उसमें मतलब छोटे मोटे काम काज करने वाले लोग, और यहाँ पे हर ईंट का एक अपना प्रॉपर साइज हुआ करता था। घर का एक मान लीजिए कि खास मेजरमेंट हुआ करता था, घर इतना बड़ा होगा, घर में किचन बाथरूम। और उस ज़माने में आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले, उस ज़माने में जो घर हुआ करते थे वो 2 stories हुआ करते थे, मतलब दो तल्ला घर में किचन हुआ करता था। अक्सर घरों में क्या था, वेल कुआं हुआ करता था। और घरों की खास बात यह थी कि घरों की जो खिड़कियां होती थी ना वो रोड साइड पर नहीं खुलती थी, यानी अगर आपका घर रोड पर है तो खिड़की रोड पर नहीं होगी। ओके अच्छा, और जो रोड होते थे ना वो एक दूसरे को 90 degrees पर क्रॉस करते थे, एकदम 90 degrees पर एक दूसरे को क्रॉस करते थे। हर पर्टिकुलर इंटरवल पे, यानी हर कुछ एक फिक्स इंटरवल पे क्या था, लैंप पोस्ट है, यानी लैंप लगा हुआ था लाइट के लिए। ओके, ड्रेनेज सिस्टम था। सोचिए उस वक्त में, आज से हज़ारों साल पहले, जो हमारा आर्किटेक्चर था उस वक्त के जो घर थे वो ऐसे हुआ करते थे। उस वक्त ड्रेनेज का सिस्टम था, और आज हम लोग देखेंगे आज हमारा जो सिस्टम है ख़राब है, थोड़ी सी बारिश होती है नाले का पानी सड़कों पर आ जाता है। लेकिन उस वक्त सोचिए, उस वक्त हम लोग कितने एडवांस हुआ करते थे, और एक तरीके से देखें तो हम लोग पीछे हो गए, हमें आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन हम क्या हो गए, हम पीछे हो गए। ओके, तो उस वक्त भी बैंक था, उस वक्त तो पैसा तो हुआ नहीं करता था, तो पैसा नहीं था तो इम्पॉर्टेंट क्या था, इम्पॉर्टेंट था फूड। ठीक है, बार्टर सिस्टम चलता था उस वक्त, बार्टर सिस्टम यानी हम आपको फूड देंगे, आप हमें उसके बदले कुछ दो, हम आपको ये सामान देते हैं, आप हमको वो सामान देते हो, बार्टर सिस्टम चलता था। तो उस वक्त जो अहम था, उस वक्त फूड, जो खेती होती थी उसको एक फूड में एक बड़े से प्लेस में, एक उस सिटी के अंदर एक बड़ा सा प्लेस बनाया जाता था जहाँ पे उस फूड को जमा किया जाता था। ओके, उसको हम लोग वहाँ का समझो बैंक कह सकते थे। तो सोचिए उस वक्त में जो हमारा आर्किटेक्चर था इतना खास था। फिर बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इंडिया गेट, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, जो 1931 में बनाया गया। ओके, और जो था बुक द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया वॉज रिटन बाई ताप्ती गुहा। ओके, और बुक है हिस्ट्री ऑफ जयसूर खुलना, ये लिखने वाले कौन है, सतीश चंद्र मित्रा। तो ये कुछ आर्किटेक्चर से बात थी, इसमें हम लोग खास सिर्फ बुक्स का नाम याद रखेंगे। ओके, इंडिया गेट कब बना और कौन सी बुक्स किसने लिखी, ठीक है।
और अगर हम लोग आगे जाएँ तो एक वो टर्म देखेंगे आप लोग, लोकल हिस्ट्री। तो लोकल का मतलब आप समझ रहे हैं, इलाकाई, लोकल हिस्ट्री। तो लोकल हिस्ट्री क्या है, मतलब किसी इलाके की हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कोच बिहार, ये यानी कोच बिहार की हिस्ट्री, ये बुक है हिस्ट्री ऑफ कोच बिहार, इसके लिखने वाले हैं अमानतुल्लाह अहमद। हिस्ट्री ऑफ स्टोरी ऑफ मुर्शिदाबाद, इसके लिखने वाले हैं निखिल नाथ राय। ओके, तो कलकत्ता इन अर्बन हिस्ट्री, प्रदीप सिन्हा इसके लिखने वाले हैं। ऐसा होता क्या है कि लोकल हिस्ट्री से भी हमें उस इलाके के बारे में जानने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं जो हम लोग एक इंडिविजुअल हिस्ट्री पढ़ करके, मतलब एक बड़े पैमाने पर जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो बातें नहीं जान पाते हैं, अगर हम लोग वहाँ की लोकल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता होती है। अगर मान लो आपके घर में क्या हो रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो वैसे ही लोकल हिस्ट्री वहाँ के जो होंगे उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो हिस्ट्री में ये लोकल हिस्ट्री भी बहुत ही अहम रखती है, इसके भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। इसमें जैसे कि हमने देखा हिस्ट्री ऑफ जयसूर एंड खुलना, हिस्ट्री ऑफ कोच बिहार और स्टोरी ऑफ मुर्शिदाबाद, ये सब आप लोग याद रखेंगे इसके लिखने वाले कौन है। अच्छा, एक बात बताते चलूँ मैं कि जो कोलकाता बनी है, कोलकाता जो शहर है ना, कलकत्ता, ये 1690 में बना है। कालीकटा, गोविंदापुर और सूता नूती, ये तीन गांव को मिला करके क्या किया गया था, कलकत्ता बनाया गया था 1690 में। ओके, अच्छा, अब ये चैप्टर तकरीबन समझे ख़त्म ही है। मेरा हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री है, हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, वुमेंस हिस्ट्री है। अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री में बात करें तो मिलिट्री बनी कैसे, पहले कोई प्रॉपर मिलिट्री नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो गांव के लोग होते, जब कोई जंग होता था तो सभी मर्दों को क्या करते थे, जंग में भेज दिया जाता था। यानी मिलिट्री नहीं, आप किसान हो जाओ जंग में, आप कुम्हार हो आप जाओ जंग में, ठीक है। जंग में सबको मतलब इन्वॉल्व होना पड़ता था, चाह करके भी ना चाहे, अपने घर वालों को बचाना है, अपने गाँव को बचाना है, तो जंग में क्या होता था, उनको इन्वॉल्व होना पड़ता था। और अगर वो जंग जीत जाते थे, जो वॉर बूटी होता है जिसको माले गनीबत बोलते हैं, यानी वॉर में जीते गया सामान, सोना चांदी सामान कुछ भी हो, उसको सब में बांट दिया जाता था। लेकिन बाद में जब फील हुआ कि नहीं, हमारा एक अपना आर्मी होना चाहिए, तो आर्मी फॉर्म किया गया, ठीक है। आर्मी का भी वही था, ओके, पहले स्टार्टिंग में ऐसा ही था, कोई सैलरी का फिक्स नहीं था, लेकिन बाद में सैलरी फिक्स की गई। तो जब सैलरी फिक्स कर दी गई ना, तो सैलरी फिक्स करने के बाद ये जो वार बूटी था ये राजा अपने पास रखता है। देखिए, पहले क्या था कि आपको सैलरी नहीं दी जा रही है, जंग हुई आपको भेजेगा लड़ने के लिए, तो आपको उसके बदले कुछ तो मिलना चाहिए। तो जो वार बूटी था, जो जीत का जो सामान था, उसको लोगों में बांट दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, आप एज ए मिलिट्री आप हो, अब जंग नहीं हो रही फिर भी आपको सैलरी दिया जा रहा है, तो जंग होने के बाद जो सामान होता है, जो सोना चांदी होता है, इसलिए उसको राजा क्या करता था, अपने पास रखता था। तो एक लिहाज से ये ठीक भी है, बिना काम के भी अगर आप पैसे ले रहे हो, ऐसे तो नहीं है बिना काम के लिए ले रहे हो, आप सिक्योरिटी दे रहे हो, काम तो कर ही रहे हो आप, भले जंग पे जाएंगे जा रहे हो, जंग जब होगी तब जाओगे। लेकिन ये सिस्टम को बाद में क्या किया, बदल दिया गया। फिर और एडवांस हुआ तो ट्रेंड मिलिट्री, यानी मिलिट्री को ट्रेंड देना, घोड़सवार, ये सब रफ्ता रफ्ता ये चलन में आते ही, और जा कर के फिर एक प्रॉपरली हमारा क्या हुआ कि एक ये बना, मिलिट्री फॉर्म में आई। ओके, फिर इस चैप्टर में बहुत ही थोड़ी सी बात बच गई है, जैसे कि नेहरू का अपनी बेटी को लिखा गया खत, लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर। ओके, फिर इसको हिंदी में तर्जुमा करने वाले कौन थे, ये मतलब सारी बातें हैं, और बहुत सारे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी की, बायोग्राफी के नाम, ऑटोबायोग्राफी के नाम, ये सब मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। आपने, मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। ये इतना सारा मेहनत सिर्फ आप लोग के लिए किया जा रहा है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, तो इस मतलब चैप्टर का जो लास्ट कुछ पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो वो उतना कुछ खास नहीं है, मतलब खास तो है, आपको तो पढ़ना है, लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है, इसलिए मैं ये पिक्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि मतलब आप लोग का टाइम वेस्ट भी ना हो और जल्दी से चैप्टर कवर हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुक्स और कुछ ऑथर्स हैं, ऊपर में देख सकते हैं, द बुक ऑफ हीलिंग वाज रिटन बाय अबू अल इब्न सिन्हा, इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, ये मेडिसिन लिखा हुआ है, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ओके, वर्ड इन्वायरमेंट ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इन्वायरोन विच मीन्स अराउंड, ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, अराउंड। अच्छा, और कोलकाता मेडिकल कॉलेज कब बना था,
तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में बना था। और यहाँ पे कुछ बुक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अक्सर ये बुक्स ऑथर पूछता है ठीक है। ये देख सकते हैं, बुक का नाम है बिजनान रशिया, ठीक है, रशिया 1875 में बनकिम चंद्रा ने लिखा था, लिविंग एंड नॉन लिविंग जगदीश चंद्र बोस, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री आचार्य प्रफुल्ला चंद्र राय, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया डेविड अर्नोल्ड और प्राचीन भारत समाज सुकुमारी भट्टाचार्य। ये तो बुक्स एंड ऑथर्स थे। हम लोग ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। ऑटोबायोग्राफी आप समझते हैं कि खुद के बारे में जो लिखी गई किताब रहती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एटमोचरिट देवेंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, ठीक है। नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ये बुक जेल में बैठ करके लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद, 70 बत्सर बिपिन चंद्र पाल, जीवन स्मृति रविंद्रनाथ टैगोर और जीवनेर झड़ापता सरला देवी चौधरानी, ओके। ये कुछ बायोग्राफी थे। अच्छा, और कुछ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिपिन चंद्र पाल इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट। बिपिन चंद्र पाल को हम लोग हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट, उर्दू में कहेंगे इनकलाबी फिक्र का जन्मदाता। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने मतलब जब वो उनकी पूरी कहानी है, उतना मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, उन्होंने जब वो अलग हुए अपनी बेटी से, तो जब वो अपनी बेटी के साथ थे, उनकी बेटी बहुत सारे उनसे सवाल पूछा करती थी, तो जब वो अलग हुए तो उसी कहानी को अपने लेटर में लिखते हुए कहते हैं कि तुम जब पास थी तुम मुझसे पूछा करती थी, मैं बताया करता था, अब तो नहीं है तो मैं लेटर के जरिए तुम्हें बताता रहूँगा। तो उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखा था, और कलेक्शन ऑफ लेटर्स को हम लोग कहते हैं लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ओके, जिसे जवाहरलाल ने अपनी बेटी इंदिरा प्रिया दर्शनी के लिए लिखा था, जो बाद में इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती है। अच्छा, इस लेटर को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले थे मुंशी प्रेमचंद, ओके, याद रखेंगे, यानी उन्होंने इस लेटर को इंग्लिश में लिखा था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा बंगा दर्शन, फर्स्ट पब्लिश्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी 1872 में, आफ्टर हिम इट रन्स अंडर द एडिटरशिप ऑफ संजीव चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी देखो बनाने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन बाद में उनको चलाने वाले कौन थे, संदीप चंद्र चट्टोपाध्याय, ओके। उसी तरह हमारा ये जो है लास्ट क्वेश्चंस तो नहीं, एडिटर ऑफ सोम प्रकाश वास द्वारकानाथ विद्याभूषण, ओके, ये क्या था हमारा वीकली न्यूज़पेपर था जो 15 नवंबर 1858 को सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था। और एक छोटा सा हमारा WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, इसको डिस्कवर करने वाले थे टीम बर्नर 1989 में, ओके। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, ओके, लेकिन मैंने तकरीबन इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि पहले दो वीडियो बना करके मैं एकदम पेसिव सा हो गया था कि मैंने बहुत दिनों तक कोई वीडियो नहीं बनाया, इसके बाद जब सोचा कि एक ही बार जब वीडियो बना रहा हूँ तो आपके लिए इस चैप्टर को पूरा ख़त्म ही कर दूँ, तो मैंने चैप्टर को हल्के में समझाने के साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हैं, यानी यहाँ से आप चैप्टर को पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, आपको फिर अलग से कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि क्रिकेट फुटबॉल मेहनत की गई है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग हमें भी मोटिवेट करें, हमारा भी साथ दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।